अब सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में ना हमारे घर में एक प्रैक्टिस बनी हुई है एक स्पाइस ज्यादा कंज्यूम करने की। दैट स्पाइस इज काली मिर्च। और काली मिर्च इतनी गुणकारी है ना कि इसके इतने गुण हैं कि एक वीडियो उसके गुण बताने में निकल जाएगी और साथ में रेसिपी भी बन जाएगी। तो शुरू करें रेसिपी। अब रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं हूं जसप्रीत आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन काली मिर्च। और चिकन काली मिर्च बनाते बनाते हम काली मिर्च के गुणों की भी बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं चिकन काली मिर्च। तो उसके लिए एक बड़ा बाउल, उसमें जाएंगे चिकन। अब चिकन के मैंने सिर्फ लेग ले रखे हैं, तो सारे लेग एक बाउल में डाल लेंगे और उनको कर लेंगे मैरिनेट। अब मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले सॉल्ट, साथ ही काली मिर्च, अब थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड लेमन जूस। अब देखिए नमक चिकन का पानी खींच लेगा, काली मिर्च फ्लेवर के लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑफ स्मेल हटाने के लिए, और नींबू के जूस में जो सिट्रिक एसिड है ना वो चिकन को टेंडराइज करने में हेल्प करेगा। अब ये चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, इसको रखते हैं साइड में और प्याज 1/4 कर लेते हैं। प्याज काटने के बाद एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे बटर, साथ ही इसमें डाल देंगे गरम मसाले, सबसे पहले काली मिर्च, उसी के साथ एक तेज पत्ता, 3 इलायची, थोड़ा सा जीरा एंड आधा इंच दालचीनी। अब मसालों को भुनने देंगे। अब याद रखिए काली मिर्च के अलावा आपने कोई ऐसा मसाला नहीं डालना जो आपकी ग्रेवी का रंग काला करे, ठीक है जी। काली मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये है चिकन काली मिर्च, और काली मिर्च नहीं होगी तो क्या चिकन काली मिर्च है ना, काली मिर्च जाना तो बनता है ना। अब काली मिर्च के गुणों की बात कर लेते हैं। काली मिर्च आपको, अगर आपको सरदर्द है उसमें हेल्प करता है, आपको खांसी जुकाम है उसमें हेल्प करता है, अगर आपको कमजोरी है उसमें हेल्प करता है, वेट लूज करना है उसमें हेल्प करता है। मैं कह रहा हूं बहुत गुणकारी है। खांसी जुकाम के लिए तो सबसे बढ़िया ये है कि 2 से 3 काली मिर्चों का ना चूर्ण बनाए, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री और दूध के साथ इसको ले ले। मैं कह रहा हूं 7 दिन इनका इसका सेवन करेंगे, आपकी खांसी जुकाम हट जाएगी। और काली मिर्च इतनी गुणकारी है ना, इतनी गुणकारी है कि लुई द 14 ने अपने किचन के जो शेफ्स थे उन सबको ऑर्डर दे दिया था कि उनके खाने में सिर्फ नमक और काली मिर्च डालना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। वो तो पहचान गए थे काली मिर्च के गुण, आप भी पहचानिए, आप भी यूज कीजिए। सर्दियों में काली मिर्च इज कंपल्सरी, ठीक है जी। अब इसमें लहसुन डाल लेते हैं, अदरक, हरी मिर्च। अब ये 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, ये होगी 8वीं। साथ ही प्याज डाल देंगे, अब ये 6 से 7 प्याज भी ले लिए मैंने, साथ ही काजू, साथ ही मगज एंड खसखस। अब इन सबको डालने के बाद एक मिक्स, अब इसमें डाल लेंगे पानी। अब इसको ढक के पकने देंगे, बॉयल आने देंगे। प्याज ना पका पका के कमले कर देना, मतलब खिलर जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, ठीक है जी। अब कढ़ाई भी गर्म कर लेते हैं, और कढ़ाई में ऑयल, ऑयल थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा क्योंकि आपने चिकन को रोस्ट करना है, तो ऑयल ज्यादा होगा तो रोस्टिंग प्रॉपर होगी एंड चिकन के अंदर की वो जो ड्राइनेस है वो भी हट जाएगी, चिकन को मॉइस्चर मिल जाएगा। अब चिकन डाल देते हैं। अब इस स्टेज पे ना आपने चिकन को 70% तक कुक कर लेना है, बाकी की जो कुकिंग होगी वो होगी अपनी ग्रेवी के साथ। सच ग्रेवी में एक मेन इंग्रेडिएंट तो डालना भूल ही गए, दैट इज सॉल्ट। तो सॉल्ट भी डाल देते हैं।
अब ग्रेवी को पकने देंगे और चिकन पे ध्यान रखते हैं। चिकन को हमने 70% तक कुक करना है, उससे ज्यादा कुक नहीं करना, मैं दूसरी बार बता रहा हूं। अब दूसरी बार बताने से अश्योरिटी मिल जाती है ना कि आप सुन रहे हैं। और ये जो कुकिंग होगी ना, थोड़ी स्लो आंच पे होगी। अगर आप तेज आंच पे करेंगे तो चिकन भार भार से पक जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं, अंदर से पकाने लगेंगे तो जल जाएगा। इसीलिए स्लो आंच पे कुकिंग कीजिए, पहले एक बार ही सियर कर दीजिए, उसके बाद ढक के पकाइए। अब ये चिकन सियर हो चुका है, अब ये देखिए हल्का हल्का सफेद होने लग गया है ना, मतलब चिकन सियर हो चुका है। अब गैस करेंगे स्लो और ढक के पकाएंगे कम से कम 10 मिनट। तो चिकन भी ऑलमोस्ट डन है और ग्रेवी का मिक्स भी डन है। अब ये ठंडा कर लेंगे, इसको उतारते हैं गैस से और इसको खोल के रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। अब जल्दी ठंडा करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं और उसमें चिकन निकाल लेंगे। चिकन निकाल दिया। अब सिंस इसका टेम्परेचर नीचे आ चुका है तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं, और ब्लेंड करने से पहले हम तेज पत्ता निकाल लेंगे। अगर आपको कहीं घूमती हुई दालचीनी दिख जाए वो भी निकाल सकते हैं आप। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारी ग्रेवी डन है। अब ये ब्लेंडर निकाल लेते हैं और ग्रेवी डाल लेंगे अपनी कढ़ाई में। बट ग्रेवी को पहले तड़का तो मारना पड़ेगा ना, तो तड़का मार लेते हैं पहले। मैं दिखाता हूँ किस किस चीज का लगेगा तड़का। कढ़ाई गर्म कर लेते हैं और कढ़ाई में डाल लेते हैं बटर। अब कढ़ाई आपने साफ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कढ़ाई साफ करेंगे ना तो ऑल दी गुडनेस ऑफ ऑल दी फ्लेवर्स निकल जाएगी। अब बटर गरम होने दो, उसके बाद तड़का मारेंगे। और ये रेसिपी अब सिर्फ 10 मिनट की रह चुकी है, तो ज्यादा इंतजार नहीं होगा आपका। जल्दी जल्दी रेसिपी डन है, उसके बाद सेवन कीजिए। अब ये बटर गरम होते ही हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। अब कस्तूरी मेथी के जलने से पहले ग्रेवी डाल देंगे। अब ये ग्रेवी डालने के बाद चिकन इसमें सेफली लैंड करा देंगे। ये चिकन का जो स्टॉक है ये भी डाल देंगे साथ। अभी आपको लगेगा कि ग्रेवी ज्यादा है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे चिकन पकेगा, चिकन का जो फैट है इसको गाढ़ा कर देगा। अब इसको ढक देंगे और सिर्फ 5 मिनट पकाना है स्लो आंच पे, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और चिकन भी पक जाए। तो इसको छोड़ देते। अब अगर ये ग्रेवी रेस्टोरेंट्स में बन रही होती ना, तो इसको पहले ब्लेंड करने के बाद छाना जाता, उसके बाद फिर तड़का लगाया जाता। बट सिंस हम घर पे बना रहे हैं और छानने की जरूरत क्या है, अगर छानते हैं तो सारा फ्लेवर निकल जाएगा। अब वो बाइट आनी चाहिए ना काली मिर्च की, इसीलिए मैंने छाना नहीं है और सारे फ्लेवर्स इंटैक्ट रखे हैं इसमें बिना छाने। अब ये ग्रेवी ऑलमोस्ट डन है, इसमें थोड़ी सी रिचनेस बढ़ाने के लिए हम क्रीम डालेंगे। वैसे तो रिचनेस इसमें भरपूर है, बट वो थोड़ा सा डेरी वाला फ्लेवर होना चाहिए ना, वो क्रीम वाला, इसीलिए मैंने क्रीम डाली है। और वो व्हाइट ग्रेवी नहीं है अगर उसमें क्रीम नहीं है, तो थोड़ी क्रीम तो होनी बनती है। अब ये क्रीम डालने के बाद हम इसको लास्ट वाली सीजन करेंगे विद सॉल्ट एंड पेपर। अब पेपर इसमें अच्छी क्वांटिटी में जाएगा, क्योंकि ये है चिकन काली मिर्च। और ध्यान रखिए, जब तड़का लगा रहे हो ना तब मेथी ज्यादा मत डालना, क्योंकि अगर आप मेथी डाल देंगे तो मेथी का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, वो काली मिर्च का फ्लेवर दबा जाएगी और फिर वो चिकन काली मिर्च नहीं बनेगा, वो बन जाएगा मेथी चिकन। इसीलिए मेथी कम डालिएगा, ठीक है जी। अब एक लास्ट टच जो मेरी टच है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, एक नटमेग थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। अब मेरे लिए चिकन काली मिर्च में नटमेग जाना बहुत जरूरी है। अगर नटमेग नहीं डालूंगा ना मैं, तो मुझे वो स्वाद नहीं आता, इसीलिए मैंने नटमेग डाला है।
आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, टोटली योर विश। अब ये डन है, इसको करते हैं प्लेट और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। ठीक है जी। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, ये ब्यूटी क्या ही कमाल बन रखी है। अगर आपने हल्की सी हीट बढ़ानी हो ना तो लाल मिर्ची का रोगन बनाइए और वो डाल दीजिए, उससे हीट भी बढ़ जाएगी और गार्निश क्या जबरदस्त होगी। तो अब इंतजार किस बात का, इंतजार मत कीजिए, जल्दी जल्दी चिकन काली मिर्च बनाइए और पोस्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।